गोपालगंज पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान काबाइन के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से काबाइन का मैगजीन और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी का नाम दिलीप शर्मा है। वह सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विष्णुपुर का रहने वाला है। दिलीप शर्मा पूर्व में गोपालगंज के हथुआ रेलवे ट्रैक प्वाइंट पर मारे गए कुख्यात अपराधी राजकुमार शर्मा का भाई है। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर गोपालगंज पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा पंचायत चुनाव जो अभी चल रहा है, जिसके दो चरण शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने संपन्न कराया है, उसको और भी अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए गोपालगंज पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 दिन पहले भी माझागढ़ से 2 जो शातिर अपराधी थे, उनके साथ पास 2 हथियार मिला था, उनको जेल भेजा गया। और हथुआ अनुमंडल में हथुआ SDPO के नेतृत्व में यह कार्रवाई लगातार चल रही थी। और इसी सिलसिले में कल एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक दिलीप शर्मा, जो बिशुनपुर रामपुर का रहने वाला है, सिवान जिले का मुफस्सिल थाना अंतर्गत, वो एक बड़ा हथियार लेके और जा रहा था कुछ घटना करने के लिए। उसी दौरान हमारी टीम ने उसको इंटरसेप्ट किया और उसको गिरफ्तार किया, और हम लोगों ने एक कार्बाइन और 9 9 mm का कार्ट्रिज बरामद किया। और इस पूरे हथियार की जो सप्लाई चेन है, उसके बारे में लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और उसमें जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस सामने आए हैं, उस पर काम हो रहा है। और इस ये जो पूरी कार्रवाई हुई, ये हमारे SDPO हथुआ के नेतृत्व में हुई, और ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था गोपालगंज पुलिस और STF के द्वारा, जिसमें इंस्पेक्टर जो शर्वेंदर हैं STF के, और इंस्पेक्टर बीरेंदर जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं मीरगंज अंचल के, और सब इंस्पेक्टर छोटन जो मीरगंज के SHO हैं, नियाज अहमद सब इंस्पेक्टर जो मीरगंज में पदस्थापित हैं, और अन्य जो हमारे जवान थे उनके उनकी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग आगे भी पूरी ताकत के साथ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते रहें। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये नरेनिया करके एक जगह है, नरेनिया, वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, और अभी पूछताछ चल रही है। अभी जो भी जानकारी सामने आएगी तो उसमें हम लोग साझा करेंगे। अरे इनका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके जो एक भाई थे राजकुमार शर्मा, उनका मर्डर हुआ था हथुआर एक पॉइंट पे, वहाँ उनका मर्डर हुआ था, उनका भी आपराधिक इतिहास था। तो हम लोग खंगाल रहे हैं, इनका जितना भी डिटेल्स है वो सारा खंगाला जा रहा है, टीम के द्वारा उसको वेरीफाई किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।